डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन फ्यूल लॉन्च। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हिंडन एयरबेस पर एवी गैस 100 LL लॉन्च किया। ये स्वदेशी रूप से विकसित विमानन ईंधन यानी एविएशन फ्यूल है। ये पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी वडोदरा स्थित रिफाइनरी में विकसित किया गया है। एवी गैस 100 LL को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA द्वारा परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। यह आयातित ग्रेड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन गुणवत्ता मानकों के साथ उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने वाला एक हाई ऑक्टेन विमानन ईंधन है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत इस उत्पाद को यूरोपीय देशों से आयात कर रहा है। स्वदेशी ईंधन आयातित ग्रेड की तुलना में बेहतर है। एवी गैस बाजार 2029 तक मौजूदा $1.92 बिलियन से $2.71 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। एवी गैस 100 LL का घरेलू उत्पादन भारत में उड़ान प्रशिक्षण को और अधिक किफायती बनाने में सहायक होगा। भविष्य में भारत में हवाई परिवहन की मांग कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।